नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छिंदवाड़ा की बड़ी खबर के साथ में, जहां पालामऊ कोलामऊ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित होकर बोलेरो कार सूखे कुएं में जाकर गिर गई। सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वही घटना में मृतक सभी लोग शादी समारोह से घर वापस लौट रहे थे और इस दौरान ये हादसा हो गया। वही भीषण हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां मोहखेड़ पुलिस जांच में जुट गई है। तो बड़ा हादसा हुआ जहां 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वही 6 लोगों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि पालामऊ कोलामऊ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित होकर बोलेरो कार कुएं में जा गिरी, जिसकी वजह से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अतुल, पालामऊ कोलामऊ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है, कैसे ये हादसा हुआ, विस्तार से हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी दीजिए। जी देखिए अनुपमा, बताना चाहूंगा कि ये तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच का हादसा हुआ है। रात में जो बोलेरो कार थी वो अनियंत्रित होकर के कुआ था उसमें जाकर के गिरी है, जिसमें जो सवार थे बोलेरो में जो लोग बैठे थे उसमें 7 लोगों की वहीं पर घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। और इस हादसे में जो एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है, उस बाइक में जो सवार थे वो लोग भी इसमें घायल हुए। तो ये कहा जा रहा है, अभी जो पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान आया उसमें बताया जा रहा है कि 7 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई और 6 लोगों को जो गंभीर चोटें आई हैं उनको जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में रेफर करके उनको एडमिट किया गया, जहां पर उनका उपचार अभी जारी है। अनुपमा जी, अतुल, जो 6 लोग गंभीर रूप से भर्ती हुए हैं अस्पताल में, उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? जी देखिए, अभी हमारे साथ बात हुई है तो उन्होंने ये बताया जिला चिकित्सालय में कि हालत अभी स्थिर बनी हुई है, लेकिन कुछ लोगों को आईसीयू में भी एडमिट किया गया, शिफ्ट किया गया है। अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि राहत की बात है, पर ये खतरा टला नहीं है, कुछ और भी बातें निकल करके सामने आ सकती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो बोलेरो वाहन है ये एक शादी समारोह से लौट रहा था, इसी दौरान रात में नींद के झोंके में या फिर ये यूं कहे कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। अनुपमा, कुल मिलाकर देखा जाए तो किस वजह से हादसा हुआ, किसकी लापरवाही से हादसा हुआ है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे छिंदवाड़ा से, जहां पालामऊ कोलामऊ मार्ग पर भीषण हादसा हो गया, जहां एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सूखे कुएं में जा गिरी, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।